अगर आप किन्नौर ट्रिप प्लान कर रहे हैं सो ट्रस्ट मी, इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ये वीडियो मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे काफ़ी ग्राउंड रिसर्च करने के बाद बनाया गया है। मैंने एक हफ्ते में पूरा किन्नौर सर्किट कंप्लीट किया था, वो भी काफ़ी कम बजट में। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किन्नौर की ट्रिप ईजिली कैसे प्लान की जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर पुश करना। तो चलिए अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। हमारी किन्नौर ट्रिप की शुरुआत हुई न्यू दिल्ली से। हम तीन दोस्त थे, हमने वोल्वो बस बुक की दिल्ली टू शिमला के लिए। वोल्वो की सिंगल बंदी की टिकट हमें पड़ी 900 रुपये की। बस ऑपरेटर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दिल्ली टू शिमला तकरीबन 350 किलोमीटर है और जनरली 8 से 10 घंटे लगते हैं ट्रैवल करने में, डिपेंड्स ट्रैफिक कैसा मिलता है हमें। जनरली लोग शिमला में स्टे करके नेक्स्ट डे किन्नौर की ओर निकलते हैं, लेकिन हम सेम डे ही आगे निकल गए ताकि टाइम को सेव कर सकें। हमने एक टैक्सी बुक की जिसने हमसे पूरा सर्किट कम्प्लीट कराने के 16,000 रुपये चार्ज किए, जो अगेन एक बंदे को तकरीबन 5,500 रुपये पड़े। सेम डे हम किन्नौर तो नहीं पहुँचे, पर वहाँ से 160 किलोमीटर दूर सराहन विलेज पहुँचे। सराहन विलेज रामपुर बुशर में आता है। हमने डिसाइड किया कि हम एक दिन सराहन को एक्सप्लोर करेंगे। हम होटल सराहन हेरिटेज में रुके, जिसे ओन करते थे श्याम सिंह जी। श्याम सिंह जी रिटायर्ड DIG हैं BSF से, और इन्होंने होम स्टे बना रखा है। ट्रस्ट मी, इस होम स्टे का खाना और आंटी के हाथ के बने पराठे सुपर डुपर टेस्टी थे, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा इनको। मस्ट रिकमेंडेड प्रॉपर्टी। अगेन डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन। रूम हमें 800 रुपये का पड़ा, जो कि तीन बंदों में डिवाइड हो गया। सराहन में आप भीमा काली टेम्पल विजिट कर सकते हो, वैशल्पिक ट्रैक कर सकते हो अगर आप ट्रैक के शौकीन हो। एप्पल के बगान तो हर जगह हिमाचल में दिखाई पड़ते हैं। हवागढ़ है, सराहन बर्ड सेंचुरी है जो वेस्टर्न ट्रैगोपैन बर्ड की ब्रीडिंग के लिए फेमस है। सराहन पैलेस भी देख सकते हैं अगर आपको परमिशन मिल जाए तो। हम उसी दिन शाम को किन्नौर की तरफ बढ़ गए। हमारा टारगेट था कि हम सेम डे टाइम वेस्ट ना करते हुए सांगला पहुंच जाएं, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग बर्फीले पहाड़ों के बीच में हो हमारी। सराहन से सांगला 80 किलोमीटर दूर है। रास्ता यकीन मानो जन्नत से कम नहीं है। हम सेम डे शाम को सांगला पहुंच गए और हमने होटल बुक किया प्रकाश रिजेंसी। यकीन मानो इस होटल की बालकनी से जो व्यू था वो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। हम तीन दोस्त थे और हमने फैमिली रूम लिया। काफ़ी स्पेशियस रूम था, काफ़ी किफ़ायती भी। हमें डील मिली 2500 रुपये की, जो अगेन तीन लोगों में डिवाइड हो गई। सांगला में घूमने के लिए एक पुराना किला है, लोकल मार्केट है, रिवर साइड है, लेकिन इन सबसे ऊपर है वहाँ की वादियाँ, जो मेरे हिसाब से वहाँ का सबसे कीमती गॉड गिफ्ट है। अगले दिन हमने सेम होटल में स्टे किया, लेकिन चितकुल विलेज घूमने निकल गए, जो लगभग 22 किलोमीटर है सांगला से। हमने वहाँ रुकने का प्लान नहीं किया क्योंकि सांगला टू चितकुल आना जाना एक दिन में किया जा सकता है, और हमने होटल सांगला में ही ले रखा था। चितकुल इंडिया का लास्ट विलेज है, जिसे 70 किलोमीटर आगे चाइना का बॉर्डर शुरू होता है। हमने आगे जाने की कोशिश की थी, लेकिन हमें बॉर्डर पे ITBP ने रोक दिया। चितकुल बुद्धा धर्म की प्रैक्टिस के लिए फेमस है। चितकुल में एक बहुत ही फेमस बुद्धा मॉनेस्ट्री भी है। रिवर साइड कैंपिंग भी कर सकते हो आप। अगर चितकुल में स्टे करना है आपको तो बजट होटल्स भी अवेलेबल हैं, पर एक बात का ध्यान रखना मेरे दोस्तों, यहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत है, सिग्नल नहीं मिलता है फ़ोन का। लेकिन माउंटेन्स यकीन मानो नेक्स्ट लेवल की ब्यूटीफुल है, अनडिफाइंड ब्यूटी। अगले दिन हम लोग लक्ष्यम विलेज को एक्सप्लोर करने निकल गए। हमने सांगला में अपना स्टे छोड़ दिया और लक्ष्यम में होटल बुक किया, होटल रूपिन व्यू। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट होटल इन रक्षा। ट्रस्ट मी, जो व्यू था बालकनी से वो बयान नहीं किया जा सकता। हमें सिंगल रूम तीन बंदों के हिसाब से पड़ा 3500 रुपए का। रक्षम बसपा रिवर के किनारे बसा एक छोटा सा विलेज है, जो अपने बीचेस के लिए फेमस है।
लक्ष्यों की सांगला से दूरी लगभग 14 किलोमीटर की है। यकीन मानो दोस्तों, लक्ष्यों का मजा वहां के नजारों में खो जाने में ही है। आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं और यहाँ की वादियों को देखते देखते खो सकते हैं। हमने रक्षम में एक दिन अपना ब्लॉग शूट किया और अगले दिन निकल गए कल्पा की तरफ। कल्पा एक अलग डायरेक्शन में है जो रक्षम से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। रिकॉन पीओ से ऊपर सिचुएटेड है। कल्पा और पीओ के बीच में लगभग 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कल्पा में हमने होटल व्हाइटनेस चूज किया, जो होटल रूपिंग व्यू की सिस्टर प्रॉपर्टी थी। रूम 3500 का था, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट डिनर फॉर 3 पर्सन, तो हमें लगभग ये 1200 रुपए के करीब एक बंदे को पड़ा। इस होटल का व्यू भी नेक्स्ट लेवल था और सुबह आपके बालकनी से किन्नर कैलाश पीक्स के पीछे से सनराइज देखना एक अलग ही फीलिंग देता है। बर्फीले माउंटेन्स, किन्नर कैलाश और सनराइज नेक्स्ट लेवल की वाइब है दोस्तों, यकीन मानो। यहाँ पे घूमने के लिए कुछ ट्रैक्स हैं और सबसे फेमस है यहाँ का स्पिरिचुअल ट्रैक किन्नर कैलाश यात्रा, जो बहुत ज़्यादा टफ है। सोसाइड पॉइंट भी घूम सकते हैं और एप्पल के बगान तो हिमाचल में हर जगह दिखाई देते हैं। दोस्तों, मुझे पूरा किन्नौर सर्किट कम्प्लीट करने में 6 दिन लगे। और अगर आप इस वीडियो में दी गई डिटेल्स को फॉलो करते हो तो यकीन मानना आपकी ट्रिप भी बहुत सस्ती और बहुत मज़ेदार होने वाली है। आई होप इस वीडियो से मेरी YouTube फैमिली को काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी किन्नौर ट्रिप प्लान करने के लिए। गाइज, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करता रहूँगा। और प्लीज़ बेल आइकन दबा दो ताकि उन सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद घूमते रहो।